हम हैं मजदूर, हमें कौन सहारा देगा, हम तो मिटकर भी सहारा नहीं मांगा करते। पर उन दिनों यही मजदूर, यही प्रवासी मजदूर सहारा मांग रहे थे। पनाहगारों से रात में सोने के लिए चारपाई पर बस एक जगह मांग रहे थे, मांग रहे थे दिल्ली के सल्तनत में बैठे राणाओं और नवाबों से मदद, नौकरशाहों की शक्ल में सजे धजे दीवानों से। वो दौर लॉकडाउन का था, जब यही हजारों हजार प्रवासी मजदूर राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की चारकोल की सड़क पर अपने पैर के छालों से खून बहाकर लौट रहे थे अपने अपने गांव। हाथ में झोला लिए, माथे पर ये गमछा लपेटे, मुंह में मास्क और जाबी लगाए, रोते बिलखते चिल्लाते। तो नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और स्वागत करते हैं हम आपका न्यूज 11 भारत के हमारे स्पेशल शो में, जिसका नाम है बोल जनता बोल। क्या भैया? अब बोल जनता बोल के आज के इस शो में हमारा विषय वही है, चूंकि कोरोना का दौर वो भी था, कोरोना का दौर ये भी है। बस फर्क इतना है कि लॉकडाउन का वो दौर था, अब कड़ी पाबंदियों का ये दौर है। प्रवासी मजदूर तब आप भी थे, मजदूर आज भी है। पर सवाल ये है कि जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आगामी कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद राज्य सरकारें, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश में फिर से लॉकडाउन की पाबंदियों का ऐलान कर दे। ऐसे में आज सवाल ये है कि अगर फिर से लॉकडाउन की पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया तो फिर इन हजारों हजार प्रवासी मजदूरों का क्या होगा, उन हजारों हजार व्यापारियों का क्या होगा, हस्तशिल्प कलाकारों का क्या होगा, जो रोज अपने पसीने बहाकर अपनी आजीविका दो वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए कर देते हैं, गुजारा कर लेते हैं कैसे भी, क्योंकि उनको नहीं पता कि पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करता है। इनको यही पता है कि ये चाक काम कैसे करता है और उनके चाक के काम करने से ही इनका काम चल जाता है। तो आज बोल जनता बोल के शो में विषय वही है कि जब अगर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाएगा, संभवतः कर दिया जाएगा, तो आखिरकार इन हजारों हजार प्रवासी मजदूरों के अंदर क्या चल रहा होगा, कैसे इनके आगे की जीवन शैली होगी, आखिरकार कमाने के लिए ये फिर कौन सा काम करेंगे। इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज 30 मिनट के सफर में आप हमारे साथ बने रहेंगे। आगे चलते हैं और बतियाते हैं, चकल्लस करेंगे, बैठकी होगा, चौचक मजा आएगा, और बैठते हैं, बतियाते हैं और बताते हैं कि आखिर इन किसानों, इन मजदूरों, इन मजलूमों के जहन में लॉकडाउन को लेकर अभी से क्या चल रहा है। चलिए सुनते हैं। भले ही हिंदुस्तान देश के हर कोने से इस वक्त कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, पर अच्छी बात यही है कि मौत का दर वैसा नहीं है जैसा कोरोना के दूसरे वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट के दौरान हमें देखने को मिला था। पर इस वक्त पाबंदियों को लेकर कुछ ज़्यादा विशेष नहीं किया जा रहा है, थोड़ी पाबंदी लगाई जा रही है। वीकेंड कर्फ्यू जो है वो दिल्ली में लगाया गया, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद जो है वो कुछ कड़ाई के पालन के लिए जो है वो निर्देश दिए थे, लेकिन लॉकडाउन की बात नहीं चल रही, इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हो रही है। और अभी लगता भी है कि लॉकडाउन को लेकर अभी सरकार सोच नहीं रही है, क्योंकि मृत्यु दर वैसा है नहीं। लेकिन इसके बावजूद हम यह जानने के लिए आए हैं आज कि आखिरकार जब लॉकडाउन की घोषणा अगर आने वाले महीनों में होती है या दिनों में होती है तो इन मजदूरों का क्या होगा। आज इसी सिलसिले में हम आज कुम्हारों की टोली में आए हैं, राजधानी रांची के ही अलग अलग हिस्सों में। आज हमारे साथ गणेशु भैया हैं। गणेशु भैया, ये बताइए कि कोरोना का जब दूसरा लहर था, जब लॉकडाउन था, उस वक्त आप कहाँ थे और क्या चल रहा था आपकी जीवन? देखिए भैया, उस समय हम दिल्ली में थे और दिल्ली में हम काम कर रहे थे, और लॉकडाउन के कारण लॉकडाउन लग गया। उसमें हम काम करते करते कुछ दिन काम हम महीना से किए थे तो पैसा मेरा फिर बचल था, और फिर लॉकडाउन के कारण हम मेरा जो काम किए थे जहाँ जो मालिक के पास, वो मालिक हमको फिर पैसा नहीं दिया, और पैसा नहीं देने के कारण और लॉकडाउन भी लग गया, और फिर गाड़ी उड़ी भी नहीं चल रहा है, और फिर पैसा भी नहीं था मेरे पास। और उसके बाद में हम फिर दोस्त यार से 200-400 रुपया इधर उधर से मांगे भी, और मांगने के कारण एक क्लास फ्रेंड था वहीं पर ही, तो उसे बोले कि दुख ऐसा ऐसा बात है भैया, सो हमको कुछ पैसा दीजिए, सो हमको रांची जाना है। अब कहे कि दिल्ली में अब हमको काम नहीं करना है, अब केवल हमको रांची ही जाना है, और फिर रांची में जाके हम अपना बिजनेस अपना ही करेंगे। लॉकडाउन के कारण फिर हम पैदल वहाँ से कुछ पैसा ले के
वहाँ से दे के और फिर गाड़ी खोज खोज के फिर अपना अथी करके दिल्ली से फिर हम रांची पैदल लगभग 3 दिन लग गया सफ़र करते करते। और फिर दुख में इतना थे कि अथी हो गया और फिर हम रांची पहुँच गए। रांची पहुँचने के बाद में किसी तरह अपना फिर आस्ते आस्ते कुछ पैसा वैसा व्यवस्था करके उसके बाद में अपना काम हम करने लगे। या फिर सोचे कि अब हम लॉकडाउन में अब बाहर हम काम करने के लिए नहीं जाएंगे, जो भी बिजनेस करेंगे हम अपना ही बिजनेस अपने ही घर में अपना ही करेंगे। और जो भी ये धंधा पानी मेरा अभी बिजनेस लॉकडाउन होने के कारण से हम आए और रांची में अपना बिजनेस चला रहे हैं। अभी जो भी मिट्टी का दिया और बर्तन और ये तलसा उलसा का जितना भी मिट्टी का काम होता है ऐसा सारा काम हम कर लेते हैं। तो एक बात बताइए कि जब आप आए और उस वक्त भी पाबंदी का दौर था, लॉकडाउन था, तो यहाँ पर आकर जाहिर सी बात है कि लकड़ी खरीदने के लिए, कोयला खरीदने के लिए, मिट्टी खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है। इसकी शुरुआत कैसे की, क्या वो दौर में आप खरीद पाए, कैसे काम शुरू हुआ या हुआ भी या नहीं? नहीं भैया, उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। फिर हम साइकिल से लाते थे मिट्टी और कोयला इधर से उधर खोज के लाते थे। जैसे कि होटल वोटल में रहता था चूर वाला कोयला, तो वही कोयला लाते थे और होटल से ला के हम और लकड़ी भी लाते थे और लकड़ी कोयला ला के उसके बाद में हम आस्ते आस्ते फिर काम करने का शुरू कर दिए। उसके बाद में फिर व्यापारी लोग को हम पकड़े एक दो से, तो फिर 100-200 रुपया करके दिया। उसके बाद में वही पैसा से मेरा खर्चा उर्चा चलने लगा और मेरा ये धंधा पानी फिर आस्ते आस्ते लॉकडाउन के कारण फिर हल्का हल्का फिर चलते रहा। और फिर वैसे ही लॉकडाउन में अभी चल रहा है, कैसे किसी तरह पेट पला रहा है, पेट अब पला रहा है, बाल बच्चा देख रहे हैं। ये वे लोग हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, इनके अकाउंट में 2 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए नहीं होते कि इमरजेंसी के दौरान ये अपने अकाउंट से पैसा निकासी कर ले और फिर ये अपना घर चलाए। हम आपको बिल्कुल जमीनी स्तर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब देश में लॉकडाउन लगता है, जब किसी राज्य में लॉकडाउन लगता है, तब वहाँ के जो सबसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मैं किसी जाति का की बात नहीं कर रहा, मैं उस पिछड़े वर्ग की बात कर रहा हूँ जो आर्थिक तौर पर पिछड़ा है, जो मुख्य धारा में लगातार आने की जद्दोजहद करता तो है लेकिन वो आ नहीं पाता है। और ये देखिए कि जाहिर सी बात है कि कोई राजधानी दिल्ली में गया होगा तो जाहिर सी बात है कि वो कमाने गया है और वो कुछ अच्छा चाहता है अपने परिवार के बारे में, लेकिन उसी पारंपरिक काम में उसे विवशतापूर्वक ढलना पड़ता है जिस काम को छोड़कर वो कभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ रुख किया था। अब काम ठीक चल रहा है भैया, और आपको लगता है कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो फिर कैसी स्थिति, अगर लगा तो अभी इसके बारे में पुष्टि नहीं? लॉकडाउन लग जाएगा तो स्थिति में दिक्कतें हो जाएगा, फिर अभी दुकान दुकान बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग को दिक्कतें हो जाएगा उस समय, क्या है कि दुकान बंद हो जाने के बाद में फिर हम लोग को सामान मन बिक्री नहीं ना होगा। हम एकदम बिल्कुल बंद हो जाएगा सब, मंदा बंद पूरा नहीं पड़ेगा, फिर हल्का हल्का काम चलेगा आस्ते आस्ते। जैसे अकाउंट है आपका? अकाउंट तो है मेरा, ऐसा है उसमें कि बस अकाउंट नाम 0 बैलेंस है, उसी में चल रहा है। हम यहाँ से फिर अगले पड़ाव की तरफ निकलेंगे और इस शो में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा हमारे समाज के जो मुख्य अंग हैं, जिनको हम हमेशा मार्जिन में लाकर छोड़ देते हैं और मानते हैं कि वो हमारे हिस्से के या वो हमारे काम के किसी लायक नहीं है, उन लोगों की जिंदगी कैसी होती है असल। आज बोल जनता बोल के इस शो में हम यही दिखलाएंगे आप, जिनको कभी अपना शायद समझने की कोशिश नहीं की गई, जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि अपने घर बना लें। आप देखिए कि झोपड़पट्टी है ये पूरा, और इस पूरे इलाके में जो है लोग यहाँ मिट्टी का काम कर रहे हैं और फिर मिट्टी के काम में ही लीन हैं, और फिर इनके पास आगे की कोई योजना नहीं। भैया इसी काम में रहना है या फिर कुछ आगे? नहीं भैया, जो भी काम मेरा चल रहा है यही काम चलेगा, आगे तो आप सोच भी नहीं किए हैं, जो काम चलेगा वही काम मेरा चलेगा। जब दुनिया के पूंजीपतियों या पूंजीपतियों के सुसंगठित पूंजीपति संस्थानों ने जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे मजदूरों पर जब अमानवीय अत्याधुनिक क्रूरता का आगाज किया होगा, तभी शायद दुनिया के में समाजवाद के सबसे प्रबल प्रवर्तक कार्ल मार्क्स ने अपने सबसे ऐतिहासिक दस्तावेज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में यह लिखना जरूरी समझा होगा कि दुनिया के मजदूरों एक हो। पर यह अजीब बात है कि दुनिया के मजदूर कभी एक नहीं हो पाए और ये महज एक सपना भरी रह गया। पर आज हम उन्हीं मजदूरों से बात करने के लिए आए हैं जिन मजदूरों पर दुनिया में कई साहित्यकारों ने लिखा, कई इतिहासकारों ने लिखा, कई सामाजिक वैज्ञानिकों ने लिखा है। आज उन मजदूरों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर संभवतः लॉकडाउन लगाया जाता है देश में या फिर राज्य में तो उनके रोजगार को लेकर कितना बड़ा असर उनके रोजगार पर पड़ेगा, और उस लॉकडाउन के दौरान जो बेरोजगारी की स्थिति होगी उस दौरान उनके जीवन यापन का मुख्य आधार क्या होगा। आज इन्हीं सिलसिले में हम मजदूरों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और टटोलेंगे उनके जहन में वो डर भी कि वो डर
कितना भयानक है कि वे लोग एक दौर में फिर बेरोजगारी के मुहाने पर आकर खड़े हो जाएंगे और रोजगार का उनके पास कोई साधन नहीं बचेगा। भैया एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत भैया ये बताइए कि लॉकडाउन जब लगा था दूसरे लहर के दौरान, ठीक है, उस दौरान कैसे पैसा कमाते थे, क्या होता था, क्या काम मिलता था आपको? बहुत हम लोग को प्रॉब्लम होता था, काम कहाँ मिलता था। तीन तीन महीना हम लोग लद्दाख में थे, उधर ही फंसे थे। उसके बाद से रास्ते में आए तो 6 दिन रास्ते में भूखे मरे, फिर घर आए। लॉकडाउन से हम लोग को प्रॉब्लम है, कैसे रहेंगे लॉकडाउन में। काम दिन भर करते हैं तो शाम को चूल्हा जलता है। एक दिन में आप कितना कमा लेते? एक दिन में कहाँ, 500 रुपये देते हैं दिन भर। उस वक्त जब लॉकडाउन था उस वक्त जो कुछ काम भी अगर आप करते होंगे तो कितना कमाते होंगे? उस टाइम तो कहाँ काम चलता था, कभी 100 रुपया कभी 200 दे के कोई ले जाता था काम कराने के लिए, और कहाँ काम करता था। मान लीजिए कि अभी तो लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर लॉकडाउन का ऐलान किया जाता है तब कितनी परेशानी होगी आप जैसे लोगों को, जो लोग रोज कमाते हैं और फिर खाते हैं? बहुत प्रॉब्लम होगा हम लोग को। अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो लॉकडाउन से हम लोग को परेशानी है, क्योंकि खाना पीना कहाँ से कमाएंगे, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। भैया एक बात बताइए, आप भी यही काम करते हैं क्या? यस। क्या काम करते हैं आप? सुपरवाइजर काम करते हैं। सुपरवाइजर का काम। बात बताइए कि जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान बेरोजगारी थी या फिर रोजगार आप लोग को मिला? नहीं, उस समय तो हम लोग मान लीजिए लॉकडाउन हो गया था, उस समय हम लोग घर चल गए थे, तो घर चल गए थे उस समय तो हम लोग बेरोजगार थे। मान लीजिए यदि हम लोग शहर टाउन में रहते हैं काम के देखते हुए, तो फिर बाद में मान लीजिए यातायात के साधन बंद कर दिया गया, तो उसमें घर जाने में हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए हम लोग लॉकडाउन की स्थिति सुने उसी समय घर चला गया। कितने महीनों की बेरोजगारी रही आपकी? 3 महीने की। 3 महीने तक आप साफ बेरोजगार? हाँ, एकदम साफ बेरोजगार। कितना एक दिन में कितना महीना आप मेहनत आना आपको मिला? एक दिन का हम लोग वैसे 400 रुपये मिलता। और उस पूरे दौरान जो 3 महीने का जो पूरा पीरियड था उस दौरान आप बेरोजगार रहे? बेरोजगार। अच्छा ये बताइए कि अब अगर जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, अगर सरकार फिर पाबंदी लगाती है और उस तरीके से फिर लॉकडाउन होता है, तो आपके जीवन यापन का मुख्य आधार फिर क्या होगा, फिर कैसे आप अपना जीवन चलाएं? उस समय मान लीजिए यदि फिर से यदि लॉकडाउन की स्थिति आ जाता है तो फिर वैसे हम लोग को बेरोजगार हो जाते हैं, ना सरकार कुछ भी सुविधा करते हैं, ना हम लोग खाने पीने राशन भी देते हैं, तो उसमें मान लीजिए कि 1 महीना देते हैं तब प्लस में दूसरा महीना पता चलता है कि मिला कि नहीं मिला, कुछ डीलर लोग हैं इधर उधर कर देते हैं। इसीलिए हम लोग को सरकार यदि मान लीजिए कि लॉकडाउन यदि दोबारा करें तो पहले जनता लोग को देख लें कि उस सबको पहले सुविधा दे लें, तो मेन है कि कपड़ा रोटी मकान, ये 3 सामान नागरिकों को चाहिए। भले ही मान लीजिए कि अब लॉकडाउन कर दिए, अब जनता लोग खाने पीने का सामान नहीं है तो फिर जनता लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए लॉकडाउन करने से पहले मेरा सरकार से गुजारिश है कि यदि लॉकडाउन करें पहले जनता लोग की खाने पीने सब का सुविधा उपलब्ध करवा दें। तो देखिए राशन तो मिल जाता है लेकिन आश्वासन भी उसी के अनुसार मिलता रहता है, और जिन लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की उन्होंने यही बताया कि सरकार लॉकडाउन लगाने से पहले ये ज़रूर सोचे कि जो बुनियादी चीज़ें हैं एक आम इंसान के लिए, एक आम मजदूर के लिए जीने के, उनके जीवन यापन के साधन खराब ना हो, खत्म ना हो जाए, ताकि फिर ये बेरोजगारी की स्थिति में चले जाए और फिर इनके पास अपना जीवन चलाने के लिए कुछ पैसा ना हो, कोई साधन ना बचे। हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो अगर संभवतः लॉकडाउन लगता है पूरे राज्य में, पूरे देश में या इनके ही राज्य में, तो फिर स्थिति क्या होती है, वो उस लॉकडाउन संभावित लगने वाले लॉकडाउन को लेकर उनके जहन में क्या ख्याल है, क्या वे अभी डर रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा तो उनका उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, उनकी रोजगार खत्म हो जाएगी और फिर वे बेरोजगारी के मकड़ जाल में फिर फंस कर रह जाएंगे। आइए हम कुछ और लोगों से ही बात करते हैं और फिर आपको सुनाते हैं आज बोल जनता बोल में कि आखिर सच में लोगों को अब भी उनके जहन में डर है कि जब लॉकडाउन लगेगा तो उनके जीवन यापन का पूरा आधार ही चौपट हो जाएगा। बोल के आज के शो में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मजदूर परेशान थे लॉकडाउन के दूसरे लहर के दौरान, क्योंकि लॉकडाउन लगा था और कई मजदूर, कई श्रमिक मजदूर जो थे, कई
जो मिट्टी का काम करते हैं वो किस तरीके से परेशान थे और उनके आय का स्रोत जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया था, उनके आय का स्रोत बिल्कुल बचा नहीं था, वे लोग सब बेरोजगार हो गए थे। इस वक्त हम खाद गढ़ा बस स्टैंड पर हैं। अब देखिए कि एक हुजूम है यहाँ बसों का, और चूंकि जो नई गाइडलाइंस आई है उसमें हेमंत सोरेन आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी और जिसमें गाइडलाइंस में बातें कही गई कि इंटर स्टेट बसें भी फिलहाल चल सकती हैं। कई लोग हैं, हमें चूंकि सूचना मिली थी कि लॉकडाउन के दरमियान कई बस ऑनरों को अपना बस बेचना पड़ गया था, हालत इतनी ख़राब थी। चूंकि हम संभावित लॉकडाउन की बात करें जिसकी पुष्टि अभी हुई नहीं है, लेकिन अगर जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, अगर राज्य में लॉकडाउन की स्थिति फिर से बनती है तो इस व्यापार का क्या होगा जिस व्यापार से हजारों हजार लोग जुड़े हुए हैं। भैया आपका नाम क्या? मेरा नाम साहिल मलिक हुआ। चाचा जी आपका नाम? जमील अख्तर। हम आप आपसे यही जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन लगा था दूसरी लहर के दरमियान, क्या था आप लोगों के आय का स्रोत? चूंकि बस तो पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, तो फिर आप कमाते कैसे थे, आपका घर परिवार कैसे था? कोई आय का स्रोत नहीं था, बस घर पे बैठे रहना था, बस इंतजार था कि सरकार कब लॉकडाउन खत्म करेगा, फिर से हम लोग करेंगे। जो हम लोग की कुछ जमा पूंजी थी उसी को बैठ के खाए, उसके बाद कर्जा, अभी तक कर्जा में हम लोग बताए हुए। मतलब पहला लॉकडाउन झेलने के बाद दूसरा लॉकडाउन सोचे कि नहीं लगेगा, फिर दूसरा लॉकडाउन में भी हालत ख़राब है, अब तीसरा लॉकडाउन के बारे में सोच के तो हालत ख़राब है हम लोग का। अभी तीसरे लॉकडाउन की बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों से ये जानने की कोशिश करें कि अगर संभावित तौर पर लॉकडाउन लगता है तो आप लोग इससे कैसे हताहत होते हैं, कैसे परेशान होते हैं? हम लोग के पास एक पैसा भी नहीं है और हम लोग के पास कोई कमाने का स्रोत भी नहीं है। लॉकडाउन में सारा का सारा काम बंद पड़ जाता है, ठप पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में ये अगर धंधा बंद हो रहा तो दूसरा धंधा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सारा का सारा स्रोत बंद हो जाता है। उस लॉकडाउन के दरमियान कितने दिनों की बेरोजगारी आपको झेली? पहला लॉकडाउन में तो 6 महीने का था, दोबारा में आपका 3 महीना चला, अब देखिए आने वाला वन 6-3 मतलब कुल 8-9 महीने के दरमियान कोई पैसा नहीं था, कोई आयकर नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। चाचा यहाँ आपसे भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप कई सालों से यहाँ पे बस को मॉडरेट करते हैं, आप बस चलवाते हैं यहाँ पे, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर संभावित लॉकडाउन लगता है तो बस का जो पूरा व्यापार है, जो पूरा बाजार है, वो किस तरीके से प्रभावित? पिछले लॉकडाउन में तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका था, उस वक्त ये बीमारी के बारे में लोग जानते नहीं थे, अनजान थे, और चूँकि इस बीमारी के बारे में जान चुके हैं, लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, गाड़ी वाले भी गाड़ी के अंदर में सैनिटाइजर वगैरह कर रहे हैं, और एक गाड़ी से करीब 100 लोग जीते हैं, जिसमें मोटिया मजदूर से लेकर व्यापार से लेकर मिस्त्री से लेकर पेंटर से लेकर टायर बनाने वाले से लेकर के यहाँ तक के हॉकर बूकर गाड़ी धोने वाले लगभग 100 लोग एक गाड़ी से जीते हैं। मालिक को तो पिछले जो 9 महीना का जो लॉकडाउन लगा था उसमें तो वो लोग का टैक्स माफ़ कर दिया गया था, दूसरे लहर काफ़ी तेज़ी से फैला था, मालिक अपने से गाड़ी बंद कर दिए थे, इसमें काफ़ी हादसा हुआ था, बहुत लोग मरे थे, लेकिन तीसरा लॉकडाउन में आदमी सुरक्षित महसूस इसलिए कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही लोग वैक्सीन ले चुके हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए आने वाले ज़माने में कई पुरुषों से हम लोग सुन रहे बहुत तरह की बीमारी पैदा हुआ है, आज कोरोना का बीमारी पैदा हुआ, पहले हाइजा था, डायरिया था, फलेरिया था, मलेरिया था, टाइफाइड था, आपका जगह डेंगू था, लंगड़ा बुखार था, बहुत तरह का बीमारी आ चुका था और हर बीमारी में इसी तरह का हादसा होता रहता है। अगर बीमारी थोड़ा बढ़ता भी है तो लोग करोड़ों लोग यहाँ पर अभी वैक्सीन ले चुके हैं, डरने की बात नहीं है। कि कई लोग हमको बता रहे थे कि एक वक्त में खाद गढ़ा में बस लगाने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद कई बसें बिक गई, इस तरीके से पूरा व्यापार जो है प्रभावित। क्योंकि एक गाड़ी मालिक को अगर गाड़ी लेना होता है तो उसको रोड टैक्स देना है, उसके बाद गाड़ी का इंस्टॉलमेंट हर मंथ भरना होता है, अब जब उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा तो वो कहाँ से भरेगा सरकार को देने पाएगा? देखिए मूल बात ये है कि कई बार हम उस व्यापार को समझ नहीं पाते या उस व्यापार के हिस्सा तो ज़रूर होते हैं, पर जब लॉकडाउन लगता है तो उस व्यापार को किस तरीके से नुकसान होता है और कैसे वे लोग झेलते हैं उस पूरे लॉकडाउन के पीरियड को, ये आपको हमने बस स्टैंड से दिखाने की कोशिश की है, आपको बतलाया है, आपको दिखाने की बस तस्वीरों के माध्यम से, इनकी आवाज़ के माध्यम से इस बोल जनता बोल के शो में, कि जब लॉकडाउन की स्थिति आती है तो किस तरीके से पूरा बाजार, पूरा एक सिस्टम ठप हो जाता है। हम इसलिए आप आज के इस शो में आपको लॉकडाउन की वो तमाम स्मृतियों को आपके सामने, आपके जहन में जिंदा कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी राजधानी रांची से लेकर आप जहाँ कहीं भी देख लें, लोग बहुत अत्यधिक मात्रा में, लोग बहुत अत्यधिक फीसद में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो फिर
जाहिर है कि एक वक्त में सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा और लॉकडाउन की स्थिति आएगी और फिर ये पूरा बाजार एक दिन ठप हो जाएगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप जागरूक रहें, हम जागरूक रहें। एक सूचना मुझे ये भी मिली है कि होटल भी इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है। कई बार होटल मालिक ने अपने अपने होटलों को बाद में बेच दिया, स्थिति यहाँ तक हो गई थी। तो हम होटल में भी चलेंगे और बोल जनता बोल के इस शो के माध्यम से आपको दिखलाएंगे कि होटल का व्यापार भी किस तरीके से प्रभावित था, क्योंकि होटल पर जिस तरीके से रोक लगाई गई थी लॉकडाउन के दरमियान, उन लॉकडाउन के दरमियान वो लोग बहुत ज़्यादा हिस्से तक प्रभावित थे। तो चलते हैं और व्यापारियों से बात करेंगे, होटल मालिकों से बात करेंगे कि अगर लॉकडाउन की स्थिति वापस राज्य में आती है तो अब उनका क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं होटल मालिकों के पास। इस वक्त हम बोल जनता बोल के आपके इस शो के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, इस एपिसोड के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। इस वक्त हम एक ढाबे में हैं, राजधानी रांची से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर हम टाटा रोड आए हैं। इन्हीं रोड से होकर लोग कलकत्ता की तरफ रुख करते हैं। हम 22 किलोमीटर की दूरी पर आपसे एक होटल का, यहाँ के ढाबों का तारुफ कराने आए हैं। हमने आपको आज के शो के दौरान आपको दिखलाने की कोशिश की चरणबद्ध तरीके से कि किस तरीके से कोरोना में लॉकडाउन के दौरान अभिजात वर्ग या फिर संभ्रांत परिवार के लोग या फिर गरीब अमीर सब लोग प्रभावित हुए हैं। हम आज टाटा रोड में 22 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यहाँ बस इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि हम आपको दिखला सकें कि किस तरीके से गांव से देहात से निकलकर लोग यहाँ आते हैं और सड़क किनारे जो है अपना ढाबा लगाते हैं और रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान एक बड़ा बाज़ार जो है हॉस्पिटलिटी का, वो भी बहुत भयानक तरीके से प्रभावित हुआ है। हम चाहते तो आपको शहर में भी होटलों की तस्वीर आपसे साझा कर सकते थे, वहाँ ये बात कर सकते थे, लेकिन जो होटल हैं शहर में उनके मालिक जो हैं वो राजनीतिक अस्थिरता के बीच भी, अस्थिरतिक सामाजिक माहौल के बीच भी जो है वो सांस लेने का दम भर सकते हैं, सांस लेने की हिम्मत जुटा सकते हैं। पर ये वे लोग नहीं हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपनी आजीविका चला सकते हैं। भैया आपका नाम क्या है? टिंकू कुमार शर्मा। भैया ये बताइए कि जो शहर के लोग होते हैं, जो होटल वाले होते हैं, ढाबे वाले होते हैं, वे तो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को चला लेते हैं, जाहिर सी तौर पे बड़ा पैसा होता है, बड़ा लोग कमाते हैं। आप लोग लॉकडाउन के दौरान क्या करते हैं? आपकी जब दुकानें बंद हो जाती है तो इस वक्त आपका आय का स्रोत क्या? इसमें आय का स्रोत कुछ भी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कस्टमर यहाँ पर नहीं आते हैं और हम लोग है जो रोज़ डेली कमाने खाने वाला है, प्लस 3-4 को स्टाफ होता है, उसका पैसा पेमेंट देने में दिक्कत होता है, उसके लॉकडाउन के बुरा असर पड़ता है हम लोग को, इससे हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, परेशानी होता है, इससे हम लोग का आय का स्रोत कुछ भी नहीं है, फिर किसी को मतलब परेशानी होता है बहुत तरह का। हम आपको इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन छोटे मझोले ढाबे को आप सिर्फ किसी मालिक की हैसियत से मत देखिए कि उसके मालिक होंगे तो बड़ा पैसा कमाते होंगे, आप उसको इस नज़रिए से भी देखिए कि वहाँ 2-4 ऐसे भी होंगे जो प्लेट धोते हैं, 2-4 ऐसे भी होते हैं जो कामगार होते हैं। अगर संभावित लॉकडाउन होता है, जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में किस तरीके से खुद को मजबूत रखते होंगे ये, और ये इनके आय का स्रोत फिर क्या होगा? फिर तो ऐसे छोटे व्यापारी जो हैं या छोटे कामगार जो हैं, ये तो फिर किसी सरकारी नौकरी में नहीं है कि इनको महीने का तनख्वाह जो है वो मिल जाएगा 1,00,000 रुपये, इनका इनकी रोज़गार तो खत्म। देखिए सर, ऐसा है कि हमारा जो पहले का जो लॉकडाउन आया था तो उसमें भी हमारे जो छोटे छोटे जो दुकान में जो सब्जियाँ ढाबे वाले, तो ये सब का बहुत दिक्कत हुआ था, जिसमें हम लोग का परिस्थिति बहुत डाउन हो गया था, जो ढाबे वाला का भी परिस्थिति डाउन हो गया, क्योंकि जब आने जाने का जो स्रोत है सब बंद हो गया, स्टॉप हो गया, तो जो यातायात जो आदमी है जो कर रहे हैं, अगर वो ढाबा बंद हो जाएगा या कोई छोटा सा दुकान ही है या सब्जी का दुकान है या दूध का दुकान है वो बंद हो जाएगा हमारा कोरोना प्रोटोकॉल में, तो वो तो बहुत दिक्कत होती है। और उससे क्या हुआ कि छोटी छोटी जो आमदनी होती है, जैसे हमारे रोज़ लगाना है, रोज़ खाना है, रोज़ कमाना है, तो उसके लिए तो परिस्थिति बहुत ही ख़राब हो जाएगा, दयनीय हो जाएगी ये कोरोना में। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अपने से जो भी बने, मास्क पहने, सैनिटाइजर करें, जहाँ भी मतलब कोई भी दिक्कत हो तो उस दिक्कत को अपने से ही ठोस बनाना है, क्योंकि हमको उससे कोरोना से लड़ना है। और हमारा जो सरकार है बहुत ही अच्छा उपलब्ध, मतलब स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा जो हम लोग को वैक्सीन लगाया है, डबल जो वैक्सीन लगाया है, जिसको एक गो लगा है उसको भी हम प्रयास करेंगे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि वो भी लगाएं और कोरोना में मास्क पहने और सैनिटाइजर करें, ये हमारा
न्यूज़ 11 के तरफ से या हमारे जो जितने भी जनता हैं उनको मैं हाथ जोड़ कर बोल रहा हूँ कि हम इनसे लड़ें और हराएं इनको, कोरोना को। तो देखिए, हमने होटल के बारे में आपको बताया, इसलिए बताया क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो है वो हॉस्पिटैलिटी जो पूरा सेक्टर है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था, और चूंकि हमें एक जागरूक लोग यहाँ मिल गए और उन्होंने आपसे तो अभी निवेदन कर ही दिया है, अपील कर ही दिया है, तो मेरे तरफ से भी वही अपील है। हमने आपको आज चरणबद्ध तरीके से दिखलाने की पुरजोर कोशिश की है कि देखिए, कोरोना को लेकर के अगर लॉकडाउन लगता है तो हर वर्ग के लोग, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, चाहे किसी भी परिवार के लोग हों, सब लोग बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। तो ज़रूरी है कि आप मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और एक खास बात कि आपके अपने शो बोल जनता बोल को आप तमाम दर्शक जितना पसंद कर रहे हैं, जितना चाह रहे हैं, और जिस मुकम्मल जो मुकम्मल कोशिश आप करते हैं हम तमाम जैसे लोगों को रिपोर्ट्स नई नई लाने के लिए जो प्रेरणा देते हैं, उन तमाम प्रेरणा के लिए, उस तमाम कोशिशों के लिए मैं इंतहाई अदब के साथ आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हमारा पता वही है, न्यूज़ 11 भारत। कल हमारी फिर मुलाकात होगी। आप सब सुरक्षित रहें, सब तंदुरुस्त रहें, इसी कामना के साथ आज आपसे बोल जनता बोल के माध्यम से आज आपसे विदाई लेता हूँ। शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।